किस भी टेम्पल में आप प्लेस ऑफ वर्शिप जहाँ पे कोई मूर्ति है उसका सबसे इम्पोर्टेंट एक जो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो, कर्म की गति जो है बड़ी न्यारी है, उसमें रचता रचना के कर्म के उसमें बीच में नहीं आता। मनुष्य का गणित अलग है, ईश्वर का गणित अलग है। मैं समझता हूँ जहाँ से आपको एग्जिट करना है वहाँ जाना चाहिए आपको। मैं प्यार करना जानता हूँ क्योंकि मेरे को प्यार से ही पाला है, मुझे वही समझ में आता है, उतनी मेरी अक्ल चलती है। हर व्यक्ति के भीतर भी एक कल्कि है क्योंकि हम लोग स्वयं ही अपनी किस्मत के रचता है और हम लोग स्वयं ही किस्मत के विनाश करता है। ब्रह्म कुमारी से निकुंज महाराज जिनको राजयोगी कहते हैं, है ना, मैंने सही कहा? रेडियो स्टेशन आप पहले को गए हैं लेकिन यहाँ का वाइब्रेशन कैसे लगा? बहुत अच्छा, मुझे लगा मैं सेंटर में आया हूँ कोई। मोर सो बिकॉज ऑफ अर्चना होम आई हैव नोन सिंस मेनी मेनी इयर्स। सो मैं तो कहूंगा जिनको हंसना नहीं आता इसके पास आकर सीखो क्लास, खुश कैसे रहना चाहिए। हाँ जी, दिस इज वन थिंग आई मस्ट थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट, क्योंकि आप कितने लोगों से वर्ल्ड ओवर मिलते हैं पर आपने इतना अच्छा मुझे ये प्रेज दिया है। एंड आई मस्ट थैंक माई पेरेंट्स एट दिस मोमेंट, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जब आप किसी चीज की भक्ति करते हैं तो आप उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। तो कान्हा हर समय मुस्कुराते रहते थे, हमारे घर में क्योंकि वैष्णव है हम लोग तो कान्हा की बहुत आस्था है, और मेरे दादी माँ मेरे पापा बहुत मुस्कुराते हैं। तो आई फील दिस इज देयर गिफ्ट। इसीलिए हम लोग हमेशा बचपन से, क्योंकि मैं 13 वर्ष की आयु में यहाँ आ गया तो एक चीज हमको सिखाई गई, ठीक है तुमको भाषण करना नहीं आता है नो प्रॉब्लम, बाकी तुमको और कोई टैलेंट नहीं है नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं आता है सिर्फ मुस्कुराना सीख जाओ, क्योंकि आपको मुस्कुराता हुआ देख करके हो सकता है बहुतों का दिन शायद सुधर जाएगा। इतना तो कर लो, अगर चलो मुस्कुराना भी नहीं आता है तो भी ऐसे ही इतना तो कर लो, क्योंकि जितने भी जो भी हमको सुन रहे देख रहे आज जो भी आप जिस भी टेम्पल में कहीं जाते हो जी। किस भी टेम्पल में आप प्लेस ऑफ वर्शिप जहां पे कोई मूर्ति है उसका सबसे इम्पोर्टेंट एक जो कैरेक्टरिस्टिक हो क्या होता है देना, तो मूर्ति बनाते ही ऐसे है कि वो आपको उनका वो आंखें और वो स्माइल, तो उसमें तो आश्चर्यचकित हुई थी, तभी तो वॉर शुरू भी नहीं हुई थी। एंड आई वॉज लाइक एंड यू सेड एवरी थिंग इज गोइंग टूवर्ड्स वॉर, अर्चना ये होना ही है, और ये कहीं लिखित है या फिर 108 दिन जो आपने मौन में बिताए उसके वजह से आपको एक लाइट आई है, कहाँ से है ये ज्ञात? देखिए हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है जब वो अंदर ही अंदर व्हेन दे थिंक, जिसको हम कहते हैं गोइंग डीप विद इन, मनन, स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट गोइंग डीप विद इन। जितना जो चुप रहते हैं उनको समझ में आता है कि बाहर क्या हो रहा है, और बाहर के शोर में मिक्स होकर के जो ज्यादा बोलते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि भी जो ज्यादा बोलते हैं उनकी समझ बहुत कम होती है, जो कम बोलते और सार गर्भित अर्थात जिसको हम कहते हैं सेंस विच मेक सेंस, जो कम शब्दों में ज्यादा बोल जाते हैं उनकी समझ की एक लेवल अलग रहती है। तो इसीलिए हम बहुत समझ, यदि आप देखो 50 ईयर्स बैक और फॉर दैट मैटर 100 ईयर्स बैक, या हम जो हिस्ट्री में जब स्कूल में मैं और आप पढ़े रहेंगे, अभी तो पूरा अलग है पर तभी हम ऐसे सुनते थे भारत सोने की चिड़िया वगैरह वगैरह, कितना ये था मंदिर सब सोने के डायमंड के, फिर धीरे 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 भाई डाउन होता गया डाउन होता गया डाउन होता गया। तो एवरीथिंग इज, आप यदि सब्जेक्टिवली देखो या न्यूट्रल होकर के साइड में खड़े रह करके तो आपको स्वयं दिखेगा कि ये डाउन जा रहा है, परंतु डाउन जा करके वापस अप आने के लिए डाउन जा रहा है, बिकॉज एवरीथिंग विच गोज डाउन इट हैज टू कम अप, बट पहले उसको डाउन जाना है। जैसे नए को बनाने के लिए आपको पुराना तो तोड़ना ही पड़ेगा, घर आप नया बनाओगे या आजकल रीडेवलपमेंट हो रहा है जो
नाइसली सेड। आपके बड़े बड़े शहरों में जो मुंबई में है, तो इसी प्रकार से वर्ल्ड इज अबाउट टू बी यू नो रीडेवलपमेंट की प्रोसेस से भी गुजर रही है वर्ल्ड, और उसका सबसे बड़ा पहलू है कि ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटीज दे हैव टू यू नो गेट डिस्ट्रक्टेड, सो द पॉजिटिविटी के लिए जो रास्ता है वो क्लीन हो। तो उसके लिए अगेन इफ यू से कि ये सब क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, नहीं ये होना ही था, क्योंकि हम लोगों ने, चूंकि आपने बताया वैष्णव तो हिस्ट्री में, और हम छोटे थे तभी वो एक सीरियल में हमने देखा था वो शिशुपाल का, जी जी जी, वो गालियां दे रहा, गालियां सब लोग बोल रहे हैं कि भाई भगवान तो इतने सर्वशक्तिमान है, बट इवन ऑलमाइटी ऑल्सो वेट्स, क्योंकि कर्म का हिसाब जो है उसमें कभी भी सृष्टि रचता बीच में नहीं आते। कई लोग हमसे पूछते, कई लोग जो है बहुत भ्रष्टाचार करते, बेईमानी करते, देखो उनको कुछ नहीं हो रहा है, और बेचारा जिसने कुछ किया नहीं उसको बीमारी आ रही है। तो कर्म की गति जो है वो बड़ी न्यारी है, उसमें रचता रचना के कर्म के उसमें बीच में नहीं आते। इट इज योर जर्नी, आपने पहले के जन्मों में क्या किया, अब आप क्या करेंगे, तो हम इसीलिए कहते हैं वर्तमान आपके हाथ में है। तो ये जो जो भी अब तक हुआ है, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं पाप का घड़ा, तो जब तक वो भरेगा नहीं तब तक जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को या रिकंस्ट्रक्शन को प्रोसेस इट वॉन्ट एग्जैक्टली किक स्टार्ट। उसके लिए ये होना जरूरी है, बट उसमें फिर हमारे जैसे जो है उनको थोड़ा इतनी सारी चीजें देखनी पड़ती है, क्योंकि जब कुरुक्षेत्र के रण में अर्जुन ने बोला मैं नहीं देख सकता हूँ ये इतना सब, इतना सब जो हो रहा है ये, तब उसको बताया गया है कि भाई तू क्या इतना तू शोक मना रहे, तो ऑलरेडी मरे हुए है। वाओ, नो, जो मरे हुए उसका तू शोक मना रहा है, यू जस्ट हैव टू परफॉर्म योर कर्मा, तुम तुम्हारा करो, डोंट थिंक अबाउट देम, दे विल डू देयर, यू डू योर्स। तो इसीलिए जो शब्द वहां से उभर के आया मन मना भव, तू एक मैं जो कह रहा हूं उस पे चल, तू अपनी बुद्धि मेरे में लगा, तू उधर उधर मत देख। तो द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन हूएवर इज, गीता हैज ऑल द सॉल्यूशंस। आई एम नॉट प्रोपगेटिंग एनी रिलीजन पर से, बट द टेक्स्ट इज बहुत सारा इंग्लिश में भी ट्रांसलेटेड बहुत सारे वर्जन है, उसमें बहुत सारी चीजें सीखने को है। आई मीन बाय फार इट इज द बेस्ट बुक फॉर मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स फॉर ऑल कॉर्पोरेट्स। आपके लिए एक सार अगर वहां से मैं आपसे पूछूं, एक एक्सट्रैक्ट जो बहुत पावरफुल लगता है आपको पढ़ने के बाद, एंड यू फील कि आपके अंडरस्टैंडिंग में इट्स वन ऑफ द रिचेस्ट मैसेजेस जो बुक से आई आपके लिए, दैट इज लाइक दैट यू नो आई मीन लिसन टू एवरीवन बट फॉलो ओनली वन। क्योंकि आप देखिए संसार में आप रह रहे हैं तो आप अपने आप को अलग थलग नहीं कर सकते हैं। अगर मैं अभी आपको कहूं कि नहीं अभी सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ तुम मेरे साथ, ऐसे संभव नहीं है। तो आप हो, सबकी सुन रही हो, तो सुनते हुए न सुनना, होते हुए न होना, अटैच्ड होके तो ये जो है ना न्यारा और प्यारा। और फिर जो कहा है मन मना भव कि भी तुम मेरी सुन, बाकी सब है वो तो रहेंगे यू नो, बट वो सब देखते हुए ना देखना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट येट इजी ऑल्सो, ऐसा इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। बट आई एम वेरी शॉक्ड एट योर लाइफ, यू सेड कि आप शमशान भूमि में पढ़ते थे। देखिये मैं तो अभी कम उम्र में आ गया, तो कॉलेज में जाते तो सब लोग एवरीवन यूज्ड टू टीज मी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, सो वेयर डू आई गो, सो देयर वाज अ क्रेमेटोरियम बिहाइंड माय कॉलेज, सो आई फेल्ट दैट इज द बेस्ट प्लेस टू स्टडी, सो गुड अमाउंट ऑफ माय टाइम व्हाइल स्टडिंग आई हैव स्पेंट देयर। एंड टू ऑल माय यंग फ्रेंड्स हु आर वॉचिंग एंड लिसनिंग, गो टू क्रेमेटोरियम टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि क्रिमेटोरियम की बाहर की दुनिया में आप ज्यादा रहते हो, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि लास्ट में कहाँ जाना है आपको। सो आप जन्मे, आपको आपने देखा नहीं कैसे जन्मे हो, अमूमन किसी ने देखा नहीं कैसे हम बाहर आए, जाना कहाँ से, वहां एक बार देखकर जरूर आओ,
तो आपको समझ में आएगा कि हमको कहाँ से जाना है. वो जो लोगों को कहते हैं आजकल जो वी वांट पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, जाओ ना वहाँ फ्री में 10 मिनट. पर लोग डर जाते हैं. आई डोंट थिंक सो, ऐसा कुछ डरने की बात है. आई एम नॉट टेलिंग एनीवन दैट गो एंड सी व्हाइल यू नो समवन इज उनका अंतिम संस्कार हो, वो तो मैं नहीं कह रहा हूँ. बट इट इज अ बिग प्लेस. जैसे आई रिकलेक्ट आई गोन टू गुजरात इन राजकोट, दे वेरी नाइस शमशान वो मुक्तिधाम. यदि कोई जाते तो जरूर देखने जाइए. वेरी क्लीन ग्रीन, अलग अलग प्रकार के गार्डन्स, एंड आपको ऐसे ही लगेगा हम तो कोई मना टूरिस्ट प्लेस में आ गए. और फिर अंदर अंदर जाके ये है, एंड आई रिकलेक्ट मैं 28 साल पहले वहाँ गया था एंड मेरी मॉर्निंग फ्लाइट थी. बट वो जो वहाँ के ट्रस्टीज थे उन्होंने कहा नहीं हम चाहते आपका पाँव जरूर पड़े वहाँ. मॉर्निंग 7 o'clock आई हैड गॉन देयर एंड मैंने वहाँ टॉक डिलीवर किया था. करीब 100-125 लोग पहुंचे थे एंड दे हैड अ वेरी नाइस हॉल एंड इट वाज वेरी नाइस. तो ऐसा नहीं है कि, बट मैं समझता हूँ जहां से आपको एग्जिट करना है वहां जाना चाहिए आपको. डिड यू एक्सपीरियंस पैरानॉर्मल? ये गलत है मेरा पूछना. आई वुड से आई एक्सपीरियंस डीप पीस. पैरानॉर्मल आई डोंट नो what is paranormal all about, because life and death they are all about, I mean you know, देखिए जन्म जीवन और मृत्यु, तो जन्म और मृत्यु के बीच का जो फासला है उसको जीवन कहते हैं. जिस घड़ी से आपने माँ के पेट से वहां वहां करके बाहर है तो आपका टिक 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 स्टार्ट होगा, यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर डेथ. ये तो फैक्ट है. तो ये तो ऐसा फिलोसॉफिकल बात है, बहुत सारे लोग करते हैं अरे क्या सो एक दिन तो सबको जाना ही है. परंतु मैं हमेशा कहता हूँ, I mean, invited at World Religion Parliament. मैं कह रहा हूँ देखिए सारी दुनिया में एक समस्या है, लोग जीना चाहते हैं. और हमारे जैसों को एक समस्या है कि हमें जीना ही नहीं है. हम कहते हैं बाबा ये पूरा हो जल्दी. क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो इरोजन इन वैल्यूज हो रहा है, जो हमारे मूल्यों में क्षय हो रहा है, हमारे जो पारिवारिक एक ढांचा था वो भी समाप्त होता जा रहा है. एक इमोशनल कोशंट जो हमारा होना चाहिए, जो स्पेशली मैं हमेशा कहता हूँ आई एम कंसर्न फॉर टू कैटेगरीज ऑफ पीपल, वन इज किड्स एंड वन इज ओल्ड पीपल. आई जेन्युइनली आई फील दीज टू दे नीड टू बी लुक्ड आफ्टर. क्योंकि बच्चे जो है उनका इमोशनल कोशंट इतना लो है. मेरे साथ बहुत सारे बच्चे पॉडकास्ट करने आते हैं. आई कांट इवन इमेजिन 7th standard की पढ़ने वाली लड़की, हमको तो अकल ही नहीं थी तभी इस उम्र में 7th standard में या 6th में. बट दे आर टॉकिंग अबाउट वेप, दे आर टॉकिंग अबाउट वेदर, आई मीन मुझे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरी फ्रेंड्स को. मिनिमम 2 boyfriends है मेरे, नहीं तो आप मैं क्या करूँ. मैंने पूछा भाई व्हाट इज योर क्वेश्चन. नहीं मेरा क्वेश्चन वही है मुझे होना चाहिए क्या एक बॉयफ्रेंड. तो 6th-7th standard में अगर ये है तो आगे ये जनरेशन क्या होगी. तो वी शुड जेन्युइनली थिंक, बिकॉज यही आगे चल करके कुछ ना कुछ तो बनेंगे ना. तो वैल्यू का जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, और मैं हमेशा पूछता हूँ जो कपल्स कम टू मीट मी, हैव यू बीन एबल टू पास दोज वैल्यूज विच यू गॉट फ्रॉम योर पेरेंट्स टू योर चिल्ड्रन. एंड 100 में से 99 का जवाब नो है. दे डोंट एक्सेप्ट. वो कहते हैं एक ढांचा होता है जिसमें आपको आई फील मेरे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी हैज बीन अ वेरी ब्यूटीफुल बेस. एंड आई फील थैंक्स टू द पॉडकास्ट दीज डेज थोड़ा इंक्विजिशन बढ़ते जा रहा है. आपको ये चलन कैसे लग रहा है और स्पिरिचुअलिटी का हमारे लाइफ में क्या सार है? आपको सबने जो जवाब दे रहे, मैं तो अलग, चूंकि मैं तो राइटर हूँ तो मैं सोचता हूँ मेरा जो टेक है, माई टेक इज लिटिल डिफरेंट. I have always felt that spirituality is not everyone's cup of tea. A. B. Lot of people, they ask me, do you feel that, you know, we should start with spiritual? I always tell, there is no start and stop. Correct. There is nothing like joining and leaving. You are. It is all about like, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है कि जा करके ले लिया भी, join कर लिया. I don't believe in this cliche. मैं कहता हूँ, देखो, आपको जिस चीज में खुशी मिलती है वो करो. सो देयर इज अ
which I say there is a Rajyogi code that do what makes you happy and be happy in what you are doing. Baki ye sab theek hai, spiritually isme jao usme jao. In my 35 years as a Rajyogi, I have never ever told a single person that you come and learn meditation. Why should I? Not a salesman. Wow. If someone is truly inspired from my life, or hearing me, or looking at me, they may automatically come and ask me, why should I go around preaching? But there is an impact of, let's say, mantras. I remember my memory was very weak and आज भी हनुमान जी के लिए रो पड़ती हूँ क्योंकि मुझे बोला जाता है चिरंजीव हैं आसपास हैं श्रीलंका में दिखे यहाँ दिखे वहां दिखे. मैं तो बाली आई वेंट फॉर माय हनीमून टू बाली. वाय बजरंग बाली? आई सेड वहां पे मंकी फॉरेस्ट है मैंने सुना है मुझे वहां जाना है. आप सोचो इतना मेरा अटैचमेंट है उनके साथ. तो मैं सोचती हूँ कि मंत्र जाप करना या मनन करना या बचपन में ये एक सीख मिलना इससे कुछ तो असर होता होगा मन पे. देखिए यूएस में कभी बहुत सारे ग्रुप्स आप देखोगे तो चल पड़े SBNR ग्रुप्स स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस. तो वो लोग ग्रुप्स चलाते हैं, दे मीट इन कैफेज एंड दे डिस्कस अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स. मैं कहता हूँ कि अगेन यदि किसको टेंपल में जाके भजन करके संगीत के साथ अपने आप को जोड़ करके अगर नाम जप में माला फेरने में उसको शांति मिलती देन हु आर यू टू कम एंड टू ये कर. तो मूल रूप से मेरी इस चीज से आपत्ति है कि व्हाई यू आर कंपेयरिंग. तुम इधर आओ ना उधर आओ ना ये नहीं किया गया. मुझे जिसमें खुशी मिलती मैं वो करूंगा. But how do you know your khushi if you've not tried? I'm just asking. Try, no. Huh. No problem. See, now it's like I am in Brahma Kumaris, okay? But I am actually very, very fond of going to temples and doing pujas. Hmm. Which, seldom you will find anyone in this organization. Kehte nahi, ye to spirituality alag hai. I don't, differ with anyone. Mujhe achha lagta, main jata hu. Yeah. आई लाइक जैसे अभी हाल ही में मैंने कहा 28 साल के बाद मैं गया था गुजरात में राजकोट में. तो वाइल रिटर्निंग बैक आई वॉज एक दिन पहले मेरे फ्लाइट के पहले एक सज्जन आए थे मिलने. उन्होंने कहा यहाँ पे 100 ईयर ओल्ड पंचनाथ महादेव का टेम्पल है. आई सेड वेयर इट इज. बोला ऐसे मैंने कहा आप पहले आते तो मेरी फ्लाइट है कल. नहीं आप 7 बजे आओ ना और हम आपको आपके हाथ से रुद्र पूजा कराना चाहते हैं. So, I mean, everyone around me was, नहीं हो सकता है. You know, हमारे आसपास बहुत सारे सेक्रेटरियों का जंजाल होता है. वो कहते हैं नहीं नहीं मैंने कहा नहीं मैं आता हूँ. Wow. And then I went, then they said you will have to wear dhoti. I said I am okay with anything. Yeah. So I wore dhoti. I went and I did 45 minutes of puja. मुझे अच्छा लगता है. So it's like you have to find your happiness. You don't allow anyone to choose for you what is good for you and what is bad for you, especially to all youngsters. What an empowering. You guys have given the right to choice to a lot of others. That is why you are in misery. Especially peer pressure. Or the pressure everything, of everything. Aap decide karo, aapko kya achha lagta, aapki khushi kisme hai, aapko Bhagwan ne har ek ko dimag diya, istemal karo. The law of karma. A lot of kids are scared of it. Does it work? होता है क्या है? तो देखिए अभी हम if you see there is three category like कर्म अकर्म एंड विकर्म. कर्म का तो हिसाब बनता ही बनता है. जो आप शास्त्रों को अगर देखेंगे to be precise तो उसमें कर्म अकर्म विकर्म है. कर्म और विकर्म सब जानते हैं. कर्म का good और bad ये होता है. विकर्म आप करेंगे तो उसकी सजा तो मिलनी मिल. अब अकर्म जो है ये कहते हैं कि देवी देवता जो है उनके अकर्म होते थे. मतलब इट्स लाइक काइंड ऑफ के उसका जो रिजल्ट ही है नहीं है उस बराबर है. मतलब उसका कोई हिसाब नहीं चढ़ता है. दैट्स व्हाट इफ यू गो डीप इनटू शास्त्र की डेफिनेशन तो देवी देवता जो उनके अकर्म होते थे. हम आप मनुष्य आत्मा है हमारा. मैंने आज किसी को जोर से बोला तो उसको याद रहेगा तो एक हिसाब चढ़ गया. फिर समझो वो उतरा नहीं. हाँ. तो वो चलता रहेगा. फिर वो बहुत साल तक कई हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग कहा बचपन में क्या इसने मेरा कान पकड़ा था मेरे को धक्का मार दिया याद रहता है वो. हाँ. बोलते नहीं है वो.
या मेरा अपमान किया था इन्होंने ना, मेरे को बैठने नहीं दिया था, मैं आया तो मेरे को धक्का मार के मेरे कुर्सी पे बैठ गए थे, ये सब याद रहता है। या सिबलिंग्स में भी ये क्या है, मेरा वो एक टी शर्ट था इसने कभी ले लिया था पिंक कलर का, मुझे बहुत मारा था, ये सब याद रहता है। कितना अभी उम्र 50 साल 60 साल होगी फिर भी याद रहता है। तो पड़ा है तो कर्म का हिसाब तो है ही। इसी प्रकार से कभी बहुत सारे लोग किसी को चीटिंग कर लिया या अंदर अंदर खुश होते, देखा कैसे इसको उल्लू बनाया है, बट इट कम्स बैक। क्योंकि हम कहते हैं कि मैंने बहुत सारा लॉ ऑफ कर्मा पे तो मैंने बहुत सारी कॉलमें लिखी है एंड ये स्पष्ट है कि इट कम्स बैक। कोई हाँ मैं तो मतलब लाखों एग्जाम्पल है इतने 35 सालों के, लाखों एक भी पॉसिबल टू गिव वन। अभी जैसे एक बहुत बड़े अफसर थे, फिर तो वो रिटायर हो गए हैं एंड लास्ट नॉर्थ साइड में ही हैड एक्सप्रेस्ड अ विश, आई वाज देयर गिविंग ही वांट्स टू मीट मी, सो आई हैड गॉन टू मीट हिम इन हॉस्पिटल एंड कैसे याद किया मुझे कैसे हो क्या सो, एंड देन ही एक उनकी वो जो चादर थी उसमें से ही वन स्मॉल डायरी एंड ही सेड कि भी मैंने जो भी किया गलत मैंने वो इसमें अनुचित था मैंने लिखा है, पता नहीं मैं आई हैव नॉट सीन गॉड बट आई फील आई शुड गिव इट टू यू, सो आई सेड आई कांट रीड इट बिकॉज़ व्हाई शुड आई, मैं पढ़ूंगा आई विल गेट बायस्ड क्योंकि तुम्हारा हिसाब है पूरा, नहीं फिर मैं क्या करूं, मैंने कहा जला दो करेक्ट। तो इसे लेने मेरा पश्चाताप, आई सेड दैट्स व्हाट अभी आपको फील हो रहा है ना, दैट इज पश्चाताप एंड व्हाट यू आर सफरिंग दैट इज व्हाट यू हैव गॉट, सो द ओनली वे आउट इज नाउ कि जो आपने सच्चे दिल से पश्चाताप किया है दैट में प्रॉबली यू नो रिड्यूस योर सफरिंग, बट अदरवाइज कोई ये कहे कि भाई चलो मैंने पश्चाताप किया भगवान मेरा माफ करो, तो देखिए गॉड्स मैथमेटिक्स इज डिफरेंट देन योर्स, मनुष्य का गणित अलग है ईश्वर का गणित अलग है, तो इसीलिए वो गणित समझ में नहीं आता सबको। A lot of people want instant, क्योंकि आजकल क्योंकि Instagram है तो उनको लगता है हम भी influencer बन जाए, हमको भी पैसे चाहिए, यार इनके पास क्यों गाड़ी आ गई है, you already said this कि don't compare, but there is hard work that's required to get anywhere in life. आपने 108 दिन मौन में बिताए हैं, उसका क्या रिजल्ट था और what did you experience and why was that important? वो क्यों जरूरी था? देखिए, I am a person with a damaged voice box. टेक्नोलॉजी को इतनी थी नहीं, लेटेस्ट वो एक लैरिंजोस्कोप करके था उसे डालते दूरबीन, पर तब जो भी देखते थे वो एक मिरर वाला देख के बताते थे कि इट इज डैमेज्ड एंड आप बोल नहीं पाएंगे ज्यादा एंड कुछ समय में हो सकता है यू मे लूज योर वॉइस आल्सो, सो आउट ऑफ दैट वो एक क्या कहते हैं भगवान के प्रति नाराजगी कि भैया अगर मुझे बोलना ही नहीं तो मैं करूंगा क्या फिर, सो देन आई वेंट इनटू साइलेंस मौन में, मैंने कहा फिर ठीक है चलो जैसी ईश्वर की इच्छा अभी से चुप हो जाता हूँ, तो ऐसा करके 108 दिन हो गए एंड स्लोली देन आई फेल्ट दैट समथिंग इज चेंजिंग इनसाइड, फिर तभी मुझे बताया गया कि भाई एक बड़े डॉक्टर है हिंदुजा हॉस्पिटल में एंड उनके पास ये है दूरबीन देख के बताएंगे फिर उनको दिखाने गया, उन्होंने देखा एंड ही ऑल्सो सेड सेम कि डैमेज हो गया है बट द ओनली थिंग इज यू हैव टू अंडरगो वॉइस थेरेपी एंड जब तक आप आगे जिंदा रहेंगे कितना भी क्लाइमेट हो आपको गर्म पानी पीनेगा लुकवॉर्म कोई भी सीजन हो एंड किस शब्द पे जोर देना है कि तो वॉइस थेरेपी में सिखाते हो एंड देन आई अंडरवेंट थेरेपी, मेरा जो डैमेज वॉइस कॉर्ड्स थे धीरे धीरे दे गॉट रिपेयर्ड, भगवान को काम लेना होगा तो हमेशा क्या हमारे जैसे बुद्ध लोगों से पता नहीं जो कहीं नहीं चलते हैं वो भगवान उसको पसंद कर लेता, चलो भाई ये माल कहीं नहीं चलेगा 108 दिन मौन करके, क्योंकि विपश्यना में लोग 10 दिन में वो डर जाते हैं क्या हुआ, दे कांट हैंडल देयर ओन रियलिटी, आपको क्या आभास हुआ?
मुझे बहुत सारे अनुभव हुए, कुछ एक मैंने उसमें लिखे भी है, मैंने उसके आधार पे बहुत सारे कॉलम्स भी लिखी है, और मैं हमेशा जहां भी जाता हूँ आई डिवाइस दिस होल थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ योर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, कि मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि आपके पास बैंक अकाउंट है, सब उसमें क्या जमा करते होंगे पैसा लोकर में, सब रहा है, डरो नहीं, आपसे मैं कुछ मांगने नहीं वाला है, पर मैं कहता हूँ एक और बैंक अकाउंट आप मेरे पास खोल लीजिए, और वो है एक साइलेंस का बैंक अकाउंट। तो जो आप जो भी देख रहे हैं आप भी कर सकते हैं, इट इज वेरी इजी। सो दैट इज आई मीन राजयोगी मेथड ऑफ बीइंग यू नो इन पीस विदाउट स्पेंडिंग ए सिंगल पेनी। तो हर एक घंटे पे 3 मिनट चुप रहो, संभव है, दैट इज आई मीन 180 seconds, एवरी 60 मिनट्स में 3 मिनट, 57 मिनट आपको जो मर्जी आए करो, 3 मिनट चुप रहो, कुछ करना नहीं है, सिर्फ चुप रहो, मुंह बंद रखो। ऐसा दिन में आप 10 बार जैसे वो पेटी में डालते हैं, 3 मिनट अभी ये पेटी में डाल, but we can't be doing Instagramming, nothing, right? चुप रहो, गेज एट स्काई, कुछ झाड़ को देखो, पक्षी को देखो, डिटैच थोड़ा 3 मिनट। ऐसा आप दिन में 10 बार करना, मतलब आपका 30 मिनट सारे दिन का साइलेंस की जो शक्ति है जमा, जब तक नहीं होता तब तक सोने का नहीं, इतना तो ईमानदार हर एक को रहना है। okay. इतना 30 मिनट अगर हर व्यक्ति घर में अगर करता है, तो मान लीजिए 4 लोग हैं दिन की 30 मिनट, सो दैट इज 4 × 12 120 मिनट, एंड 30 दिन का 3600 मिनट, आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट। तो ये जमा करो आप, जैसे पैसा जमा कर रहे ये भी जमा करो। कई लोग उससे क्या है, मैं कुछ नहीं है, मैं भी कहता हूँ कुछ होने नहीं वाला, बट टाइम पे मालूम पड़ेगा क्या है, अभी तो ऐसा ही लग रहा है क्या है, ठीक है बोल रहा है करते हैं अपनों, क्या है, भले करो बट शिद्दत से करो, तो आपको कुछ समय के बाद काम आएगा, तभी आपको याद आएगा अरे इसने बरोबर बोला। तो आई लर्न दैट देर इज अ लॉट that you can achieve remaining in silence. मुझे लगता है कि सारे दिन में हम लोग ऑलमोस्ट 90% बिना काम की बातें करते हैं, 10% ही है जिसमें सेंस है। तो द क्वेस्ट इज टू फाइंड दैट 10% कि वो क्या काम की बात है जो बोलनी चाहिए। You got a recently award for being the best writer Sikkim ke yahan se, but what is the one achievement you feel very थोड़े समय के लिए भगवान आते बोल के चले जाते, आई डोंट सी जीरो टैलेंट, आई थिंक आई वुड क्रेडिट वॉट एवर आई हैव टू द सिस्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द ब्रह्म कुमारी सिस्टर्स हु हैव ब्रॉट मी अप, हु टॉट मी हाउ टू सिट, हाउ टू स्पीक, हाउ टू ईट, they developed my personality. I recollect I had lot of, I mean, in fact, in my sansarik family also there are almost 20 plus cousins and very 2 or 3 boys. So I have almost grown up with women only, and I recollect in mid 80s the in vacation there used to be this personality development classes in this hotel Sea Princess. Ah, yeah. And this very wonderful woman Sabira Merchant, yes, she used to take, yeah, this. And I think the fees were 3000 rupees in mid 80s. All my cousins there enrolled. My god, mujhe bola ke chal chal jaate, I said nahi theek hai. So I can say, I mean, I learned all this with Brahma Kumaris, they taught me free. They develop my personality, कब बोलना है, कितना बोलना है, किससे बोलना है, तो ये सब आई लर्न, आई मीन ऑल दिस nuances, लाइफ की बहुत सारी ऐसी बातें, लॉट ऑफ पीपल दे फील ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, मेडिटेशन सिखाते ठीक है, मोटा मोटी ये ठीक है, परंतु बहुत सारी चीजें लाइक लाइफ स्किल्स यहाँ सीखने को मिलती है, डिपेंड्स ऑन आपकी सीखने की कितनी अंदर जिज्ञासा है। तो पावर ऑफ मेडिटेशन में एक शो देख रही हूँ अभी, बिलियंस, the show is about making money, किसी को नीचा करके हम लोग ऊपर जाए, you know, it's all, and
इट हैज अ लॉट टू डू विद इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स. उसमें मुझे पहले 10 एपिसोड में वो खाली दिखाते हैं ये बहुत ही अक्लेम्ड पावरफुल सुपर रिच बिलियनर्स कैसे मेडिटेशन में बैठते हैं. आपने उसको मौन बोला, पर मेडिटेशन का पावर क्या है? देयर आर लॉट ऑफ पीपल, दे डिफाइन मेडिटेशन इन देयर ओन वर्ड्स, बट अगेन मैं समझता हूँ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिमेनिंग इन साइलेंस एंड मेडिटेटिंग. ये दोनों अलग चीज है. हाँ, while being in silence one has to do meditation, so silence is one part of meditation, but at the same time aap chalte firte bhi meditation kar sakte hain. Like right now I'm meditating, I'm talking to you. So it is like connecting to one supreme source of power, jahan aapki buddhi mana ek aisi stage mein hai jisko aajkal ke jo modern जो जनरेशन है वो कहते लाइक यू नो जेन स्टेज, मतलब कुछ नहीं, एकदम कोई विचार ही नहीं, मतलब शून्य अवस्था. तो कई लोग देयर क्वेस्ट इज कि हम वो अवस्था तक पहुंचे. कई लोग जो है वो मेडिटेशन में चर्निंग भी करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव आल्सो नोन अबाउट दिस टिबेटियन मेडिटेशन, वो भी एक है. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स. अगेन अब आपको क्या सूट होता है वो आपको देखना है, क्योंकि किसको अपनी प्रकृति अनुसार उसको क्या सूट होगा वो तो वो जाने. क्योंकि हर इंसान बोलते हैं आंख बंद करते तो विचार आ रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहा है. ये भी राइट है. खुली आंख से लाइक द राजयोग विच इज बीन टॉट इन ब्रह्म कुमारीज, इट इज ओपन आई मेडिटेशन विच वेरी फ्यू ऑर्गेनाइजेशन दे टीच. एंड इट्स लाइक कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द पॉइंट ऑफ लाइट एंड यू नो ट्राइंग टू आपके जो विचार जो इतने फैले हुए उसको धीरे 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 समेट कर एंड देन कॉन्सेंट्रेटिंग. ये भी एक अपनी एक, बट अगेन आई वुड ऑलवेज से कि भाई तुम सब ट्राई करो, तुमको जो अच्छा लगता है करो. व्हाट इज दिस वाइब जब हमको लगता है कि शायद हम अपने सोलमेट से मिले, हमारे ट्राइब से मिले, या बहुत लोग जब मुझसे मिलते बोलते हैं हाँ कुछ तो हमारा कनेक्ट रहा होगा. सो महाराज जी दिस कनेक्ट दैट यू एंड आई आल्सो हैव, व्हाट इज दिस वाइब, ये क्या है? आई थिंक देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉजिटिव, जो आजकल वो हैशटैग बहुत चलते हैं पॉजिटिव वाइब्स ओनली. तो उसकी क्या वजह है? ओनली साथ में होता है पॉजिटिव वाइब्स ओनली. तो लोग चाहते हैं कि हम ऐसे सराउंडिंग में रहे या ऐसे लोगों से ही हम घिरे हुए रहे जिससे हमको पॉजिटिविटी मिले. इट इज लाइक यू नो आई मीन मेजोरिटी ऑफ वी कांट रेजिस्ट बॉडी ऑर्डर, ये भी वही है. नेगेटिविटी इज लाइक ए यू नो बैड बॉडी ऑर्डर. जो आपके पास ऐसा कोई नेगेटिविटी वाला आ गया तो उसका भनक भी लगती है, जिसको लगती है उसको लगती है. अब हम जैसों को समझ में आता है कि भाई ये किस लक्ष्य से आए हैं, इनको क्या चाहिए. परंतु कई बार मैं देखता हूँ किसी को नहीं भी समझ में आता है, तो वो बेचारे फिर उसमें आ भी जाते हैं, उसमें फंस भी जाते हैं, एंड देन फंसने के बाद उसमें डूब भी जाते हैं. तो इसीलिए वाइब आई थिंक दिस कॉम इट कम्स फ्रॉम द वर्ड वाइब्रेशंस. कि आज जहां भी आप देखो अभी इस केबिन में, इधर से बाहर जाएंगे तो अलग रहेगा, फिर और वो लिफ्ट के पास जाएंगे तो अलग रहेगा. अब मैं नीचे से ऊपर आया तो लिफ्ट मैन थे, उन्होंने मुझे ऐसा किया, मैं तो जानता भी नहीं उनको, उनको लगा रहेगा ये कोई है अच्छे व्यक्ति रहेंगे, मैं तो जानता, मैं भी ऐसा किया. देयर वॉज एक्सचेंज ऑफ वाइब्स. आई डोंट नो, यहां मैं आया तभी रस्ते में वो एक उसमें ट्रैफिक में वो रुकाया तो एक वो जो ये ट्रैफिक वाले भाई जो होते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस, उनको मैंने बुलाया. तो साथ में मेरे माय सेक्रेटरी एंड रेवेन्यू, क्या हो गया? मेरे आई ऑलवेज कैरी, मेरे पास जहां भी मैं जाता हूँ ना, मेरे पास एक छोटा थैली में प्रसाद में लेके जाता हूँ, स्पेशली एयरपोर्ट से आते जाते या कहीं भी जाता हूँ. ये जो हमारे जो किन्नर जो होते हैं उनसे मेरा बड़ा प्यार है. विशेष जो मुंबई में जितने भी है यहाँ सिग्नल, वहां के जितने भी जो होंगे किन्नर वो मुझे जानते हैं मेरे नाम से. एंड एक्चुअली वो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ही चाहते हैं, आई डोंट नो, पता नहीं मेरा उनसे कुछ हिसाब है. तो मैं उनके ख्याल से वो रखता हूँ. अच्छा. क्योंकि उनको पता रहता है कि आएगा तो हमारे लिए कुछ ना कुछ माउंट आबू का प्रसाद लेके आएगा या कुछ गिफ्ट लेके आएगा.
एंड तो मैंने उनको जो पुलिस वाले थे उनको दिया, क्या नाम है आपका, आप इतना दुख में खड़े हो, आप पानी वानी पीते हो क्या? ही हैड टीयर्स इन हिज आईज। तो मैंने कहा आप फिर ये पूरा हो जाता तो वहां जाओ ना, छाव में रुको, कंटिन्यू क्यों रुक रहे हो इधर? तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, अब मुझे क्या है, मैं तो कभी उनको मिलूंगा भी नहीं, बट पता नहीं मुझे ऐसा होता है और सबको होना चाहिए। What is the power of unconditional love? ये जो आप किन्नर के साथ शेयर कर रहे हैं, आपने एक लिफ्ट मैन के साथ किया, आज आपने एक पुलिस वाले के साथ किया, एक unconditionality है। See, I give what I got. मेरे पास वही है। मुझे हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जैसे आपने पूछा, एक बहन ने पूछा आपका what do you feel, what is your biggest quality? I said, I don't have any quality as such. मैं प्यार करना जानता हूँ क्योंकि मेरे को प्यार से ही पाला है और मुझे वही समझ में आता है, उतनी मेरी अक्ल चलती है और मुझे ऐसा लगता है कि प्यार सब समझते, ऐसा मुझे लगता है। तो उसने काउंटर किया कि नहीं, फिर क्या किसी ने आपका फायदा लिया तो ऐसे, फेयर इनफ, मैंने तो दिया ना, मेरा जो हिसाब है उसमें मैं क्लीन रहा हूँ, सामने वाले का मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। अगेन वही जो शुरू में सुना है, अर्जुन को बोला तू तेरा देख, तो मैं तो दे रहा हूं ना, सो आई हैव टू गिव क्योंकि मुझे मिल रहा है तो मुझे देना चाहिए। द बैलेंस बाय द टाइम आई स्लीप शुड बी नील, जितना मैंने लिया सुबह से रात तक उतना मुझे दे देना चाहिए, बांट देना चाहिए। वाओ, ब्यूटीफुल। सेल्फ लव का एक इशू है, इट्स टेंडिंग टू ईगो, आई मी माई सेल्फ। आपने पॉजिटिव वाइब्रेशन बोला, अगर आप किसी को ऑनेस्टली बोल दो कि आप ये चेंज कर दो लाइफ में, यू डू बेटर, तो गुस्सा आ जाएगा, ईगो पे चला जाएगा, रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं इसके वजह से, बच्चे सीखना नहीं चाहते बिकॉज़ दे आर लाइक आई नो मोर देन यू। ये जो एक सेल्फ लव गोइंग टू ईगो है, इसका क्या करें? देखिए, मैं तो अभी पेरेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि वंस योर चिल्ड्रन आर 13 इयर्स ऑफ एज, स्टॉप एडवाइजिंग देम। मेरे साथ एक बहन पॉडकास्ट करती है पेरेंटिंग के ऊपर, शी हैज बीन ए टीचर, शी हैज टू टीनेज चिल्ड्रन, तो मैं उनके ऐसे ही सब प्रश्न रहते हैं, मैं उनको हमेशा कहता हूँ देखिए, एक माता पिता का काम है बच्चे को जन्म देना, अच्छी परवरिश देना, अच्छा एजुकेशन देना, जितना आपकी शक्ति है। वंस दे आर 13 or 14, स्टॉप एडवाइजिंग देम, अलाउ देम टू ग्रो ऑन देयर ओन, अलाउ देम टू डू मिस्टेक्स। ये जो माता पिता का, स्पेशली टू ऑल द मदर्स, माँ का ज्यादा वो जो अटैचमेंट होता है ना कि नुकसान नहीं हो जाए, नहीं होने दो ना, वॉच रखो, यू शुड हैव अ वॉचफुल आई ऑन योर चाइल्ड, बट डोंट काइंड ऑफ सफोकेट देम, यू नो ये करो ये करो, नहीं, उनको भी करने दो अपने हिसाब से। बच्चों को पहला देखो, आज भी गिर जाते हैं ना तो लगेगा तो मुंह से क्या निकलेगा, अब ओ माँ, ये निकलता है ना, तो दे आर वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो कटता है ना, ये ऐसे ही नहीं है, कुछ है, आपके पास ही आएंगे, आपको ही याद है, बट बहुत उनको घुटाओ नहीं, टू मच बहुत हो जाता है ना, तो फिर दे बिकम रिबेलियस, फिर झूठ बोलना शुरू करते हैं, छिपाना शुरू करते हैं, ये नहीं करना है। गिव देम देयर स्पेस, यू ऑल्सो लिव इन योर स्पेस। अब आज तो ये कहना पड़ रहा है, 20-25 साल पहले नहीं था ऐसे, बट आज ये करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, झूठ बहुत बोलते हैं और फिर बड़ा कुछ करते हुए पकड़े जाते हैं, फिर सारा घर दुखी, सारा घर डिस्टर्ब, ये नहीं करो, ये एक हो गया। दूसरा, मैं बुजुर्गों को भी कहता हूं, अभी हो गया ना आपका जीवन, आपने देख लिया, सलामत दो बच्चों को, जस्ट ब्लेस देम, जब तक कि वो आपको आकर पूछते नहीं है कि भाई ऐसा ऐसा पापा मम्मी ऐसा हो गया, तब तक करने दो उनको जो करना है, आप अपना जो गार्डन में जाते करते, अपना एंजॉय योर लाइफ। तो ना माँ बाप को बच्चों को सलाह देनी है, ना बड़े बुजुर्गों को ही सलाह, बिना मांगे सलाह देना ही नहीं, किसी को भी किसी को नहीं देना थी, जब तक ओनली ऑन डिमांड। Is it important to do Mother's Day भी आ रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, और माँ के बाद छिड़ी है तो आपसे पूछना चाहूंगी कि माँ, we all will realize one day, माँ बोलती है ना एक दिन पता चलेगा तुम्हें, एक डायलॉग आता है माँ का, वो क्या पता चलता है?
देखिए मैं तो कोई डेज में बिलीव नहीं करता हूँ. ये डेज वो मनाते हैं जिनको उस चीज की अहमियत नहीं है, इसीलिए साल में एक बार कहते हैं कि देखो इसका इम्पोर्टेंस है. हमारे लिए तो माँ का जो स्थान था है और वो रहेगा ही रहेगा. आज सारे विशेष तो भारतवर्ष में और विश्व में जहाँ भी भारतीय वो क्या बोलते हैं, भारत माता की. तो माँ को तो कितना रिवियर करते, याद करते हैं. परंतु यही है कि मुझे एक कार्यक्रम में बुलाया था ज्ञान यज्ञ, वहाँ पे एक बहुत बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल शी आस्क्ड ए क्वेश्चन टू मी कि मैं पूछना चाहती हूँ ये सब घर घर में जो हो रहा है, झगड़े हो रहे, घर टूट रहे, इसकी सॉल्यूशन आप कुछ एक बताइए. मैंने कहा इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है घर घर में माँ को पुनर्जीवित कीजिए. ये एक मुहिम, ये एक सारे देश में मुहिम चलाइए, कैंपेन चलाइए, रिवाइव द मदर. क्योंकि मुझे कहीं भी माँ दिखाई नहीं पड़ रही है उस. आई एम वेरी सॉरी टू से आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद एनीवन, बट मुझे ज्यादातर ऐसे दिखाई पड़ रहा है कि चिल्ड्रन आर रेज्ड बाय मेड एंड नॉट माँ. तो मेड तो पेमेंट पे है, वो आपके घर में मदद करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, आपके बच्चों को बड़ा करने के लिए मेड नहीं है. पैदा आपने किया तो आपको बड़ा करना है बच्चों. तो संस्कार का जो निरूपण है, जो संस्कार डालना बच्चे के अंदर, वो माँ का काम है. माँ पुनर्जीवित होगी तो सब कुछ बरोबर होगा. माँ थोड़ा विजिबल कहीं दिख नहीं रही मुझे, टू बी वेरी फ्रेंक. So beautifully said. Wow. What is the sour of human life? जब आपको पता है आप इस धरती पे आए हैं और मेरे आसपास बहुत लोग हैं, मुझे मेरे को तो बस मोक्ष चाहिए, I want छुटकारा from all this. हम क्यों आए, हमको क्या करना है, क्यों है ये पूरा रचना, क्यों है ये गेम, क्या है बिग बॉस का गेम. क्यों क्या कि क्यों में सब रुके हुए हैं. ये बड़ी क्यों है कि ये क्यों क्या कि क्यों. पर आई हैड रिसेंटली रिटन वन कॉलम व्हिच वाज पब्लिश्ड इन इंडियन एक्सप्रेस, फाइंड योर पर्पस. देखिए आपने जन्म लिया है, इट मींस दैट यू आर, यू नो, मेंट टू डू समथिंग. लुक, यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीशीज. तभी आपको मनुष्य का जन्म लिया है, कुछ तो करना ही है. क्योंकि जन्मते ही आप फिर थोड़ा टाइम में क्रॉलिंग करोगे, फिर हाथ पांव हिलाओगे, फिर चलना फिरना शुरू करोगे, दिमाग भी चलना शुरू हो जाएगा, आंखों से देखोगे, करोगे, तो कुछ तो होगा. अब वो कुछ क्या है, वो हर एक को अपनी जर्नी है. ये तो कोई क्या बनता, कोई क्या बनता, कोई क्या बनता, कोई क्या बनता. अगेन आई वुड रिइटरेट, इसमें अगेन माँ का रोल बहुत बड़ा हो जाता है. हर व्यक्ति को अपना पर्पस ढूंढने में माँ मदद कर सकती है. क्योंकि विजडम जो है, ऐसा मैं समझता हूँ, ईश्वर के बाद माँ के अंदर ज्यादा होता है. कई लोग कहते हैं कि नहीं हमारे तो माँ अनपढ़ है, फिर भी उसमें विजडम है. आप शेयर करो, आपके बड़े बड़े मसले भी वो सॉल्व कर देगी. बिकॉज दैट पावर ओनली मदर हैज. तो आई फील दैट ईच वन ऑफ अस, देयर इज नथिंग टू स्ट्रेस अबाउट इट. मेरा पर्पस मिलने का ऐसे, ये कुछ नहीं है, इज नथिंग लाइक ए, यू नो, कोई गेम नहीं है, कोई क्वेस्ट नहीं है. बट फिर भी टू मेक इट इजियर फॉर योर लिसनर्स, आपको ज्यादा बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं. सारे दिन में 24 घंटा है, डिवाइडेड बाय 8, 8, 8, 8. 8 घंटा काम करते, 8 घंटा सोओगे, बाकी का 8 घंटा क्या करोगे आप. ठीक है, तो वो बाकी का 8 घंटे में, वो भी मैं, डोंट स्ट्रेस आउट गाइस, ठीक है, कोई एक अच्छा काम करो. अब वो अच्छा काम की बहुत सारी वैरायटी है. लोग बोलेंगे कहाँ इतना अच्छा काम, हमको इतना, उसमें भी टेंशन मत लो. किसी को मदद कर दो, या कोई आपके घर में बुजुर्ग है उनके साथ 10 मिनट बैठ जाओ. 8 घंटे में से 10 मिनट तो आपका आप कर ही सकते. That's your bank of good karma. हाँ, उतना कर लीजिए. या फिर कोई छोटा बच्चा है उनके साथ खेल लो. मतलब इट इज, आई वुड नॉट इवन कॉल ये कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बट ये करो. या आपका जहां भी मकान में रहते हैं वहां के वॉचमैन से बात कीजिए. किसी को ये पूछना सिर्फ, ठीक हो, ठीक हो, ये प्रश्न दो शब्द याद कर लो. ठीक हो ये दो शब्द दिन में
10 लोगों को पूछ लो आप ठीक हो इतना खाली करके, वो भी बहुत है, दैट इज योर पर्पस. And does that ensure your mental health is good? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा pandemic चल रहा है mental health का. No, again, आपने vibe के बारे में पूछा, वो reverse वो vibe आया गया, मेरे को पूछ रहे ठीक है. मना उसके अंदर से इतना फूटेगा फुवारा, उसमें आप पूरे जैसे नहा जाओगे. कोई किसी को पूछता ही नहीं है. जो घर में रहने वाले है वो भी आपस में व्हाट्सएप से कर रहे हैं, व्हाट्सएप आप उठ गए क्या, when you are coming for lunch and dinner. Right, कह रहा हूँ ना मैं. बिल्कुल. इतना तो पूछो सब ठीक है, इतना तो कर लो. दिन में 10 लोगों को पूछो, चलो 10 नहीं तो 4 को पूछ लो, अपने ही घर वालों को पूछ लो. आप ठीक है? मैं तो बहुत ठीक हूँ. कालकि का एक मूवी आ रहा है विद बच्चन, दीपिका एंड प्रभास. अभी प्रभास जब उन्होंने एंट्री ली थी हमारे माइंड्स में, तो ही वाज होल्डिंग द यू नो शिवलिंग. नाउ इट्स कालकि एंड एवरीवन्स गॉट दिस थॉट कि क्या है ये कालकि, और क्योंकि आप कालकि इतनी बातें करते हैं कालकि, तो कालकि क्या है एंड व्हाई शुड वी बी अवेयर ऑफ दिस, क्योंकि ये शब्द बहुत आता है. देखिए कल्कि अवतार जो है उसका वर्णन है, अर्थात जिसको कहते हैं कि भी अंत में जो कलयुग का नाश करने के लिए, ये हमने सुना और पढ़ा. आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, मैंने शास्त्र इतने पढ़े नहीं, परंतु कल्कि अवतार पता है मुझे जी. उसके चित्र भी आप गूगल में अगर देखे तो वैसे कल्कि अवतार के चित्र आपको देखने मिलेंगे. ये तो तय है कि जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया दैट वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, बट अगेन फॉर रिकंस्ट्रक्शन. परंतु यदि आप देखिए कि किस प्रकार से ये होगा और ये कैसे स्टेजेस में होगा, आप इसको इंडिविजुअल लेवल पे भी देख सकते हैं एंड मोटा मोटी जो एक वर्ल्ड लेवल पे भी देख सकते हैं. परंतु यदि आज मैं अपने आप को देखूं तो हर व्यक्ति के भीतर भी एक कल्कि है, क्योंकि हम लोग स्वयं ही अपनी किस्मत के रचता है और हम लोग स्वयं ही अपनी किस्मत के विनाश करता है. कोई का इसमें हाथ नहीं है. आई डोंट बिलीव इन दिस वर्ड ऑफ ब्लेम कि इसकी वजह से ये हुआ. किसी वजह से कुछ नहीं होता, जो होता है तुम्हारी अपनी वजह से हो रहा है. तो हम ऐसा समझते कि हर एक को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को समझना चाहिए कि मैं सारे दिन में किस प्रकार के कर्म कर रहा हूं कि जिससे रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, या जो कल्कि अवतार वाला जो काम है वो मैं कर रहा हूँ. एंड नॉट जस्ट यू, एक व्यक्ति जब ऐसी विनाशकारी सोच आज रखता है जिसका आज हम नमूना विश्व में देख रहे, किसी एक व्यक्ति की सोच से वॉर होता है. मैंने एक कॉलम लिखी है व्हाई वॉर आर वॉर्स आर बीइंग फॉट, उसमें एक सेंटेंस है मेरे कॉलम में लिखा है, वॉर्स आर फर्स्ट बोर्न इन द माइंड ऑफ ए पर्सन तब वो बाहर आते हैं. तो ये चीज पहले तो सूक्ष्म में सबकॉन्शियस में आती है, फिर वो बाहर सबके बीच में आती है. तो हमें ये तय करना है कि मुझे क्या बनना है. Harbinger of peace. और दूसरा ये जो दो शब्दों का मिश्रण है कल और की, तो हम ये भी कहते हैं कि जो कल की बात है वो कल में विसार दो, भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया, अभी आगे की सोचो. एक वो बहुत मशहूर गाना था राज कपूर जी की पिक्चर में, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के जिंदगानी के सफर में, तू अकेला आई मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़, पीछे मुड़ना नहीं आगे देखो. I feel हम लोग क्योंकि I feel that we are very lucky to be born on this land. मेरी पैदाइशी गल्फ की है, but I always felt proud as an Indian. और बचपन में जब बाल विहार के लिए जाते थे तो ऐसे लगता था वाह, हम लोग सन को भी प्रे करते हैं, नदियों को भी प्रे करते हैं, मतलब बेसिकली हम नेचर के साथ एक हैं. आई नो ब्रह्म कुमारी इसकी हर सेंटर में ग्रीनरी हरियाली क्या है वो जो हम एनवायरमेंट के लिए कर सकते हैं, वन एंड टू फॉर आर हेल्थ. देखिए हम हमेशा कहते हैं कि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट जुड़े हुए, पंच तत्व हमारे में भी है बाहर भी है. एंड ये सोचना भी जब हम बाहर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं तो इनडायरेक्टली हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं. नंबर 1, नंबर 2, आई एम
ऑफ ए वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव जो आपने कल्कि के बारे में पूछा, वो समय नजदीक आ रहा है. आने वाले समय में द बिगेस्ट ऑफ द वॉर वुड बी फॉट ऑन वाटर. जल जो है उसकी वैल्यू हम लोगों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि मुंबई वाले तो समुद्र के आसपास है, परंतु फिर भी जो हम कहते हैं जल ही जीवन है, तो जल की वैल्यू हमको समझना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ यू नो कटिंग ऑफ ट्रीज, दैट इज वेरी वेरी फेटल, वो भी सोचना चाहिए. करियर डेवलपमेंट एंड आई डू गो एंड डू लॉट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो. आई ऑलवेज टेल देम सब कुछ करिए बट प्लांट डबल द ट्रीज, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यही आपको बचाएंगे. आज हम लोग देखिए बड़े बड़े एक्सप्रेस वे वगैरह जाते हैं, रास्ते में बहुत सारे झाड़ आते हैं, अपने को कुछ वो इतना जूम करके गाड़ी चली जाती. बट आई ऑलवेज मेक इट ए पॉइंट, मुझे कभी रास्ते में वो बर्ड का झाड़ दिखता है स्टॉप, मैं जाता हूँ बैठता हूँ. एंड वो जो आपको सुकून मिलता है, वो जो अंदर आपको मन की शांति मिलती है, तो वो करना चाहिए. तो इसीलिए बाय यू नो डूइंग एनीथिंग रॉन्ग टू द एनवायरनमेंट, यू आर अल्टीमेटली डूइंग रॉन्ग टू योरसेल्फ ओनली. उसमें कोई मना, आप कोई बड़ा ब्रेवरी नहीं दिखा रहे कि देखिए. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एनवायरनमेंट के लिए मैं आज के समय में कहूंगा, स्पेशली बच्चों के लिए, डोंट लिटर हियर एंड देयर. आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं कई बार देखता हूँ चुपके से वो चिंगम खा करके ये कर देते गाड़ी में से, ऐसे ये ऐसे नहीं करना चाहिए. क्योंकि कई बार कोई पक्षी जो है वो उठा लेगा एंड मे बी इट मे स्वॉलो, तो मर जाएगा वो. तो ये काम नहीं करिए, यू टेक इट इन टिश्यू पेपर एंड डस्टबिन में आप डाल दीजिए. परंतु ये आई थिंक च्युइंगम खाओ ही मत, इट डजंट डीकंपोज फॉर एवर एंड एवर. आई स्टॉप्ड ईटिंग एंड ट्रस्ट मी निकुंज जी, आई हैव अ डब्बी जिसमें मैंने इलायची रखी है, दालचीनी रखी है, लवंग रखा है. सो आई यूज माय इंडियन पेपरमिंट. यू लाइक इट? यस यस, वही लेना चाहिए सबको. परंतु फिर भी जो बच्चे खा रहे हैं वो फुगाओ ये करते हैं, तो परंतु डोंट लिटर. अपने घर में भी आप कचरा डालने का प्रॉपर जो, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ सबको, जब भी वो विदेश में जाते तभी डिसिप्लिन हो जाते हैं, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? विदेश में तो कोई जाके रास्ते में थूकेंगे नहीं. करेक्ट, यही सब है सारा. जहाँ भी आप देखो, किसी बड़े मकान में जाएंगे, अभी मुझे कहीं जाना था, देखा तो सारा वो फ्लोर पे वो ये पान का सब वो थूका हुआ, वो तो ये नहीं होना पेंट जॉब. हाँ, व्हाट इज योर वन सार फॉर गुड हेल्थ, एक टिप? सी आई मीन हेल्थ, इफ यू सी आई बिलीव इन होलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. इट इज नॉट जस्ट दैट यू आर नॉट सिक, यू आर फ्री फ्रॉम डिजीज. यू शुड बी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली हेल्दी. तो ये चारों ही हेल्थ आपकी होनी चाहिए. फिजिकली ऑफकोर्स आप कुछ नहीं करते, आपको समय नहीं है, बहुत लोग कहते बट मैं मानता नहीं हूँ, टाइम नहीं है, टाइम नहीं. ठीक है, अपने मकान में जहाँ आप रहते हैं स्टेयर केस ऊपर नीचे गिरी, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए ऐसा मैं समझता हूँ. उससे आपका दिमाग ये भी जरा काम बराबर करेगा. फॉर मेंटल आई वुड से फॉरगेट मेडिटेशन इत्यादि, तक नहीं होता आपको आप मत टेंशन लीजिए, पर आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड थोड़ा बाहर निकल के गेज एट द स्काई. कितने लोग स्टार्स और मून आप में से कितनों ने देखा है, मुझे इनको बताइए लिख करके कमेंट्स में या जिसमें भी. तारे हो, तारे जो है उनको देखिए, दिख नहीं रहे, दिखते हैं ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा, पॉल्यूशन के थ्रू दिख नहीं रहा. जो ये मून है उनको देखिए, फिर शाम को जो सूरज ढलता है सनसेट वो देखिए. 5 मिनट तो इतना करिए फॉर योर मेंटल हेल्थ. तो आपकी थोड़ी बुद्धि जो है वो, जैसे उसकी ये बुद्धि की ऑयलिंग है, देखना चाहिए. और अगर बर्ड्स आप देख सकते हैं, मैं तो रोज पैरट्स को देखता हूँ. मेरा तो जहाँ मैं रहता हूँ बाहर ही आता है वो सफेद कबूतर, पैरट, ये कोयल, सफेद कबूतर, सफेद कबूतर,
ये तो आई थिंक कुछ है ब्रह्म कुमारी का सफेद से. निकुंज जी, व्हाई डू वी वेयर व्हाइट? इवन आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू व्हाइट. व्हाइट फॉर द सिंपल रीजन इट इज ए काइंड ऑफ पीस, प्योरिटी, नथिंग मच. Nothing much, but there is so much. And there is so much to learn. I'm just too grateful that you've come and blessed our organization. Thank you so much. Radio City. Rag Rag mein Daude City.